हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गजेंद्र प्रसाद गांधी में फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको गोवर्धन के राधा कुंड के दर्शन कराने आया हूँ, जिस कुंड में स्नान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। देखिए उस कुंड का दर्शन कराऊंगा। बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर देखिए, ये देखिए बहुत भारी संख्या में स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं। ये आपके सामने राधा कुंड, जिसमें स्नान करने से, पूजा अर्चना करने से, सच्चे मन से स्नान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये देखिए कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये श्रद्धालु परिक्रमा में भी बहुत भारी मात्रा में है। यहाँ तो बहुत कम श्रद्धालु, जितनी जगह है यहाँ पर उतनी मात्रा में श्रद्धालु सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। ये देखिए सामने जो बोट चल रही है, ये दो तीन बोट चल रही हैं, इनमें गोताखोर हैं, कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए, कोई डूब नहीं जाए, इस वजह से ये बोट यहाँ पर राधा कुंड में चारों तरफ घूम रही है। लोगों की सुरक्षा के लिए पूरा प्रबंध किया है। ये देखिए ये आपके सामने बोट जाती हुई, इसमें गोताखोर हैं जो प्रत्येक व्यक्ति का बड़ी सुचारू रूप से ध्यान रख रहे हैं ताकि कोई घटना न घट जाए। देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु, सभी को समय है 12 बजे का, 12 जब बजेंगे तभी राधा कुंड में स्नान किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा को ये वर दिया था, ये वरदान दिया था कि जो भी अष्टमी के दिन रात को 12 बजे इस कुंड में स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सभी अपनी मनोकामनाएं, अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर के गोवर्धन के राधा कुंड में आज आए हुए हैं। देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु, देखिए कुंड बहुत गहरा है जिसमें डूबने का भी डर लगा रहता है, इसलिए बोट चारों तरफ घूम रही हैं। सभी लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान करते हुए उस समय का इंतजार कर रहे हैं जिस घड़ी में राधा कुंड में डुबकी लगानी होती है। सभी को इंतजार है 12 बजे का, 12 बजे से ही यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करना आरंभ कर देंगे और अपने मन की इच्छा को लेकर जो यहाँ आए हैं उनकी मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। देखिए ये राधा कुंड, इसके साथ में ही कृष्ण कुंड है जिसे राधा ने अपने कंगन से बनाया था, इसे हम कंगन कुंड भी कहते हैं। देखिए लाइव दर्शन आपके, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखिए देखिए आपने राधा कुंड के दर्शन किए, बहुत ही भव्य दर्शन कराए हैं।
आने भाई साहब जो सीढ़ियों में लोग बैठे हैं यहाँ से हट जाइए आप। मेरा